हाय, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में आज हम बात करेंगे इसके ऑप्शंस, इनके डाटा से, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके आधार पर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसमें कि फ्राइडे को कैसा इसमें कारोबार हुआ है। तो अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को एक क्लोज होता है 10 रुपये 35 पैसा पे, जबकि प्रीवियस क्लोज थी 9 रुपये 85 पैसा, यानी कल से 50 पैसा ऊपर बंद होता है, यानी 5% की इसमें आपको तेजी दिखाई देती है। ओपन हुआ था 9 रुपये 80 पैसा पे, उसके बाद हाई लगाते हैं 10 रुपये 75 पैसा का, यानी यहाँ से 40 पैसा और ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, और जो लो लगाता है 9 रुपये 75 पैसा का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें इंट्राडे करने का अच्छा खासा मौका मिला था। लो और हाई की बात करें तो 1 रुपये का अच्छा खासा इसमें मूवमेंट दिखा था। 1 रुपये में से अगर आप 50 पैसा का भी अगर इसमें मूवमेंट कैप्चर किए होंगे तो इजीली आपका अच्छा खासा पैसा बन गया, क्योंकि काफ़ी लो वैल्यूएशन में भी चल रहा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा शेयर खरीदने का ऐसे मौका मिल जाता है। तो चलिए इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज देख लो कितना शानदार इसमें हुआ, 28% आपको दिख रहा है, थोड़ा कम लगता है, लेकिन इसमें देखो ट्रेडेबल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण ये परसेंटेज थोड़ा गिर जाता है। क्योंकि आपको मैं कई बार बताया था जो डिलीवरी परसेंटेज निकलता है वो क्या निकलता है, टोटल डिलीवरी क्वांटिटी होता है उसको ट्रेडेबल से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। चूंकि इसमें क्या आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि क्वांटिटी काफ़ी हाई हो गई, डिलीवरी आप देख लो कितना शानदार हुआ, 31,34,14,257 का बहुत अच्छा इसमें डिलीवरी उठाई गई, लेकिन ट्रेडेबल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसके कारण डिलीवरी परसेंट हमें थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो चलिए पहले हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चलेंगे डाटा पे। उससे पहले एक चीज़ और मैं इन्फॉर्म कर दूँ आपको कि इसका रिजल्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है 13 जून को, जो कि मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो इसको मैं कल ही अपडेट कर दिया था, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो इसको मैंने कल ही अपलोड कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, यानी कल का करने का मतलब है कि 26 जून को ही। इसमें मैं काफ़ी अच्छे खासे अपडेट डालता हूँ, जैसे कि S&P जो ग्लोबल है वो एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस का जो रेटिंग है उसको काफ़ी डिग्रेड कर दिया है। तो आपको इसमें मंडे को देखने में मिलेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट की आपको उस दिन संभावना है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इसमें मिल जाता है। ये सब भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाता है, डॉजन्स का क्या हाल था सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। जैसे MTPC का रिजल्ट आया तो मैंने रिजल्ट को भी पोस्ट कर दिया, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो स्पेशली बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और आपके लिए भी यही होगा कि आप आसानी से रिजल्ट को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पा चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपको पहले ही 3 लाइन ड्रा कर चुका हूँ जो इसके सपोर्ट के रूप में काम अभी तक ही कर रहे हैं। ये मैं लाइन करीब करीब अभी से 10 दिन पहले ड्रॉ किया था, और तब से लाइन अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि इस लाइन को अभी तक के जो शेयर है रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 9 का लेवल है, ये 9 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट का काम करेगा, और अभी तक ये एक बार ही सिर्फ तोड़ा है, जिस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था और उस दिन भी ये रिकवर कर गया था। उसके बाद अब देखो ये शेयर लगातार इस लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये लाइन यानी इसका मतलब ये होता है कि शेयर धीरे धीरे ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसे जो सबसे अच्छा सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सबसे अच्छा हमें 9 पर नज़र आता है, 9 का अगर तोड़ता है तो 9 के टूटने के बाद आप देख लो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 8 का अच्छा बनता है, और सबसे अच्छा जो सपोर्ट है हमें आराम से अच्छा खासा सपोर्ट 8 पे के बाद 7 पे मिल जाता है। लेकिन आपको मुझे लगता है कि आप 9 के लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट माने, और स्टॉप लॉस अपना 8.85 को लगा के रखें, 8.8595 जो भी माने आपका, इसको स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर है तो स्टॉप लॉस हिट होने का और थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो स्टॉप लॉस अपना 8 कर लगा लो। अगर MACD और RSI की बात करें तो RSI देख लो 56 का है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है। MACD जो है, MACD यहाँ पे सेल का सिग्नल दे चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो MACD सेल का सिग्नल दिया है, RSI न्यूट्रल है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है इसको देखने से, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि MACD तो सेल का साइन दे रहा है और RSI कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसमें हम कैसे किसका माने किसका नहीं माने। इसलिए चलते हैं हम ऑप्शन चेन के डाटा पे, जहाँ से हमें और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि अभी मैं दिखाया भी था, आप बहुत गौर से देखो, मैं एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से नहीं, मैं डायरेक्ट ड्राइंग ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो इसको देखो, और आप ऊपर की साइड इसको देखो, ठीक, ये देखो एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न ऐसा बना है जिसका आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल पैटर्न है, ना तो असेंडिंग ट्रायंगल है ना तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिधर का भी ब्रेकडाउन आता है उस साइड में अच्छा खासा ये मूवमेंट दिखाता है, अगर ऊपर का आया तो अच्छा खासा आपको ऊपर का मूवमेंट दिखता है, और नीचे अगर आता है तो अच्छा खासा आपको नीचे का मूवमेंट दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा हमें नज़र आता है वो आप इस लाइन को देखो, ये देखो कितना अच्छा लाइन बन रहा है, इसका मतलब कि इस लेवल को ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है इसको, और
ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में उभरना चाहिए। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन सिंगर डाटा पे। देखिए हम बिल्कुल फ्रेशली 30 जुलाई के ऑप्शन सिंगर डाटा पा चुके हैं, बिल्कुल फ्रेशली है। क्योंकि क्यों फ्रेशली है? क्योंकि एक्सपायर अभी तुरंत ही हुआ था और इसमें फ्राइडे को राइटिंग किया गया है, बिल्कुल फ्रेशली है। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। हम सबसे पहले पुट साइड की बात करते हैं, पुट साइड यानी सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट में आप देखो, सबसे पहले हमें सपोर्ट कहाँ नजर आता है, सबसे बड़ा वाई कहाँ है, आप खुद कमेंट में बताओ सबसे बड़ा वाई आपको नजर कहाँ आता है। तो सबसे बड़ा वाई हमें नजर आता है 9 के लेवल पर। देखो सबसे अच्छा सपोर्ट कितना का है, ये है 1,62,40,000 का, सबसे अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। इसके बाद का वाई कहाँ पे बना हुआ है, इसके बाद का वाई हमें मिलता है 10 रुपये पे। इस पर कितना का बना हुआ है, इस पर आप देखो 1,54,00,000 का बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो जो फ्रेशली आप देखो तीनों जो हुआ है बिल्कुल कल के दिन में इसमें फ्रेशली राइटिंग किया गया है। तो सोच सकते हो कि कितना अच्छा सपोर्ट बन के उभर रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो सपोर्ट 9 रुपये पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 8.85 का अपना स्टॉप लॉस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंडे को हो सकता है डॉजन गिरे, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन उसके बाद रिकवर करने का उम्मीद है। और जो इसके बाद जो सपोर्ट नज़र आएगा आपको वो देखो 8 का और 7 का अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि शेयर 10 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग की गई है। तो 10 भी अब एक अच्छा सपोर्ट बन के उभरा है, लेकिन जो सबसे अच्छा सपोर्ट है वो अपना 9 का लेवल ही सबसे अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है आगे फ्यूचर में। और अगर हम कॉल साइड की बात करें, कॉल साइड यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस पे आप देखो क्या होता है, जो 10 के लेवल पर सबसे बड़ा वाई था कितना था, 2,70,20,000 का, जो कि इसमें से बहुत ज़्यादा पोजिशन तो फ्राइडे को ही बना हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से क्रॉस किया है, इसके ऊपर का क्लोजिंग देना बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर का क्लोजिंग देने का मतलब होता है कि शेयर ऊपर जा सकता है अभी आगे आने टर्म में, क्योंकि इस पर रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट में अगर कुछ भी पॉजिटिव नज़र आता है तो ये शेयर रॉकेट बनने से पीछे नहीं हटने वाला है, लेकिन शेयर में अगर कुछ भी निगेटिव आता है तो ये शेयर में उतनी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन गिरावट आएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट Q1 का नहीं आ रहा है, Q1 का रिजल्ट इनका पॉजिटिव है, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि लॉकडाउन में इनको बहुत फायदा हुआ है। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है रिजल्ट Q4 का, Q4 कहने का मतलब है जनवरी से लेकर मार्च तक। तो उस बीच का रिजल्ट इनका उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस रिजल्ट में कुछ अच्छा आता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, या फिर देखो प्रॉफिट इसमें नहीं होने वाला है आपको पता, लेकिन जो इनका लॉसेस था अगर वो उस लॉस को एक कम करते हैं तो आप इस शेयर में, यही है कि कुछ भी पॉजिटिव आता है तो शेयर ऊपर ही जाएगा। नीचे जाने के लिए आपको मैं ऑलरेडी सपोर्ट बता दिया हूँ, सपोर्ट कहाँ बनता है, 9 के लेवल पर। तो देखो 10 के बाद सबसे बड़ा वाई कहाँ बन रहा है डायरेक्ट, ये बनता है डायरेक्ट 15 के लेवल पर। इतना ऊपर आके कॉल राइटिंग किया जा रहा है, इसका मतलब है कि शेयर ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखो, इधर कहीं पर भी अनवाइंडिंग उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी क्योंकि नया मंथ है तो इसलिए अनवाइंडिंग का उतना सवाल नहीं उठता है। तो आप मान चलो कि 10 का लेवल अगर ये सस्टेन अगले दिन भी करता है, यानी मंडे को भी करता है, और जो कि ट्यूजडे को रिजल्ट है, तो आराम से आपको 11 और 12 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 10 को लेवल को इसको सस्टेन करना होगा और 9 को लेवल को इसको तोड़ना नहीं होगा। चलिए इसका आप थोड़ा सा रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट उसको देख लेते हैं। देखिए हम वोडाफोन आइडिया के ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उस पे आ गए हैं, क्योंकि कई बार हमें अफवाह मिला है कि इसका रिजल्ट अब आ रहा है अब आ रहा है। ये ऑफिशियली बिल्कुल आइडिया और वोडाफोन की तरफ से लिखा गया है। किसको लिखा गया है, NSE और BSE को लिखा गया है। कब लिखा गया है, 26 जून को लिखा गया है। क्या है, इनका जो बोर्ड मीटिंग है उसके बारे में लिखा गया है। ये आगे लिखे क्या है, इसमें आगे में लिखे हैं कि जो 30 जून को ये कंपनी जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहा है, उसी समय जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च यानी Q4 का रिजल्ट का अनाउंसमेंट उस दिन करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, स्टैंड लोन करेंगे प्लस कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। स्टैंड लोन मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअली करना होता है, और कंसोलिडेटेड मतलब होता है कि जो टोटल इनका जो भी रिवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है सब कुछ एक साथ इंक्लूड करके उसका अनाउंसमेंट होता है। तो खैर वो रिजल्ट के अनाउंसमेंट हमें मिल ही गया कि 30 जून को आराम से इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आगे बोला गया जिसको लेकर कई के मन में कन्फ्यूजन है, यहाँ क्या लिखा गया कि जो इनका ट्रेडिंग है वो क्लोज रहेगा कब तक, 1 अप्रैल से लेके और जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके 48 घंटे बाद तक। इसको लेके कई लोगों को मन में डाउट है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 1 अप्रैल के बाद ट्रेड करने का इसमें चांस नहीं मिला, मिला। ये देखो किसके लिए होता है, ये हर एक रिजल्ट के जब भी रिजल्ट आना होता है तो उसमें लिखा रहता है, ये जो लाइन है आप याद कर लो, ये पब्लिक के लिए नहीं होता है। ये लाइन किसके लिए होता है, ये लाइन होता है जो कंपनी में एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, एक कंपनी वाले लोगों के लिए होता है। ताकि देखो कंपनी में क्या होगा कि देखो कंपनी के लोगों को इसके रिजल्ट का पहले ही पता चलता है, तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो पहले ही से शेयर को बाई कर सकते हैं, और रिजल्ट अगर ख़राब है तो पहले ही से अपने शेयर को ये सेल कर देंगे। इस कारण से उन्हें कोई भी इजाज़त नहीं मिलती कि आप इसमें ट्रेड करें। और ये सारा जो लेटर है वोडाफोन आइडिया के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये काफ़ी
पॉजिटिव न्यूज है कि अब ये रिजल्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जबकि हालो ऑल दो इनको अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है क्वार्टर फोर का ही कम से कम आया तो रिजल्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन करते हैं, इस पर देखो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे अपडेट देता हूँ इस पर, जैसे कोई कंपनी का क्या रिजल्ट आया, डाउ जोन्स का क्या हाल है, सब कुछ मैं इसमें अपडेट करता हूँ। एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उसको पढ़ लें, क्योंकि AGR से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और इस पर कई अच्छे अच्छे रीज़न दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लें। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, तो इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा जो AGR से रिलेटेड डाउट है वो आपके मन में क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इस चैनल पर आपको क्या मिलता है, चैनल पर आपको मिलता है डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप कहने का मतलब है, चलो उसको भी देख लेते हैं। आप देख लो, कोई भी कभी भी कुछ भी कोई भी डाउट आसानी से पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो, ऐसा नहीं है बोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, किसी भी शेयर से कोई भी डाउट, बेसिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप इसे पूछ सकते हो। देख लो कुछ भी लोग आप इसमें मैं खुद भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ और लोग भी इसमें हैं जो कि आंसर देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।